बड़ी खबर आ रही है जयपुर हेरिटेज निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को लेकर के बड़ी खबर। सरकार मुनेश गुर्जर मामले में करवाएगी न्यायिक जांच। न्यायिक जांच तक मुनेश गुर्जर का निलंबन काल होगा। इस जांच के बाद स्वायत्त शासन विभाग बर्खास्तगी पर निर्णय करेगा। पहले जांच होगी और उसके बाद बर्खास्तगी पर स्वायत्त शासन विभाग का निर्णय आएगा, लेकिन तब तक मेयर निलंबित रहेंगे। तो उच्च स्तरीय मंजूरी के बाद न्यायिक जांच करवाने का फैसला किया गया है। बड़ी खबर, सरकार मुनेश गुर्जर मामले को लेकर के न्यायिक जांच करवाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर से ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ है। और इस दौरान उनके घर पर दो दलाल पकड़े गए थे। उनके पति की संलिप्तता घूसखोरी में सामने आई थी। 2 लाख रुपए बरामद किए थे, 40 लाख अलग से बरामद हुए थे। और अब इस पूरे मामले को लेकर के न्यायिक जांच का निर्णय सरकार ने किया। राजस्थान सरकार ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के परिवार ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। साजिश के तहत उन्हें फंसाने के आरोप लगाए, लेकिन भ्रष्टाचार पर नहीं बोले। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, मैं सत्य के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी, मैं सही हूं और सब जल्द साफ हो जाएगा। क्या कुछ कहा मेयर ने, आपको सुनवाते हैं। खुद मुनेश गुर्जर साथ में है, उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका रुख है सरकार के इस आदेश को लेकर, क्या कुछ उनके ऊपर। पूरी जनता को पता है कि पहले एक प्रकरण साइन का चला था, फिर दोबारा साइन का प्रकरण चला था, तो क्या मेरे साथ चालसाजी हो रही है वो भी आप सबको पता है। आपके चैनलों से बल्कि मुझे ज्यादा और पता चल जाता है, क्योंकि आप लोग ज्यादा सच्चाई तक पहुंचते हैं और जनता को सच्चाई की बात रखते हैं। इसीलिए उसके बाद जब राजेंद्र वर्मा वाला मान लीजिए, जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्व हुआ था, जो षड्यंत्र सब किया गया था, शुरू से चल रहा है। मुझे इस तुच्छ राजनीति का मोहरा और हिस्सा बनाया गया है, पर मैं ये कहना चाहूंगी, आज ये साबित जरूर हो जाता है कि कोई महिला अगर काम करना चाहती है तो उस महिला को परेशान और प्रताड़ित किसी कितने आधार तक किया जा सकता है, पूरा जयपुर पूरा राजस्थान देख रहा है। मुनी जी, आपने कहा है कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तुच्छ राजनीति का, आखिर ये कौन कर रहा है आपको, काम करने से कौन रोक रहा है? देखिए, मैंने क्या कहा कि पहले साइन अभियान चला था, उसका खुलासा भी आप लोगों ने ही किया था। उसके बाद जिस तरीके से राजेंद्र वर्मा की रणनीतियां पूरी हुई थी, जो हमारे ऊपर झूठे केस आरोप लगाए गए थे, वो सब मैं कह रही हूं जितना मुझे पता उससे ज्यादा आप लोगों को पता है, क्योंकि आप सच्चाई तक पहुंचते हैं और यही आपकी खूबी है। यही आपकी खूबी है कि आप सच को दिखाते हैं। इसीलिए जो मुझे परेशान कर रहे हैं, जो राजनीति का मोहरा बना रहे हैं, हिस्सा बना रहे हैं, वो उनके सामने बस मैं इतना, पूरा जयपुर शहर जानता है। आज आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना तो वो भी ये बता देगा। मुनि जी, एक सवाल ये है कि जो आपके जो पति हैं उनको ACB ने ट्रैप किया है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर, ये क्या कार्रवाई है, क्या इसमें सच्चाई है, इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं है, मुझे ये लगता नहीं है कि ना मेरे हस्बैंड इसमें ऐसे पाए गए। ऊपर से ये न्यायालय में चल रहा है, प्रकरण पेंडिंग है, इस पे जांच हो रही है और मुझे न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है। जीरो टॉलरेंस की नीति से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उन्हीं के नियमों पे, उनसे ही हमने सीखा है, जीरो टॉलरेंस पे मैं काम कर रही हूं और न्यायपालिका से बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। आप और हम सब न्यायपालिका को मानते हैं, पूरा राजस्थान पूरा भारत न्यायपालिका को मानता है। और